नमस्ते बच्चों, पार्ट वन कविता का सुंदर भारत वीडियो दो अब पढ़ेंगे। पद्यांश दो, सुर लो कहीं पर, सुख ओ कहीं पर, स्वाभाविकी सुजनता गत सो कहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। कवि कहते हैं कि भारत में स्वर्ग का सुख है, यही देवलोक है और यही सुखों का सागर भी। तब कहते हैं कवि जी का कहने का मतलब, भारत में स्वर्ग का सुख है, हर देशों में ये देश महान है, है ना, यहीं पर देवलोक भी है और सुखों का सागर भी है। यहाँ के लोग स्वभाव से सज्जन हैं, यहाँ की धरती पवित्र है, यहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है, यहाँ धार्मिक सद्भावना सर्वत्र व्याप्त है, यहाँ धरती पर ही मोक्ष का अनुभव होता है। भारतवर्ष अत्यंत शोभनीय है। मतलब कवि जी कहते हैं कि यहाँ पर धरती, इस भारत माँ की धरती इतनी पवित्र है कि सभी देशों में ये महान देश है हमारा भारत। यहाँ के लोग, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ हर सभी मिलजुल कर एक भाई की तरह रहते हैं और अपना अपना धर्म निभाते हैं और अपना पर्व सभी मिलजुल कर करते हैं। इस तरह ये भारत महान है। भारत माता की ममता में छाई में धरती पर ही मोक्ष प्राप्त का अनुभव हो रहा है। इससे भारत की शोभा और बढ़ रही है। भारत बड़ा सुंदर और अच्छा लग रहा है। तब यहाँ पर भारत हमारा सभी संसार के सभी देशों में एक महान देश है। यहाँ के लोग, है ना, सभी सज्जन हैं, अच्छे हैं, स्वाभाविक हैं और पवित्र भी हैं। यहाँ सभी लोग अपना अपना धर्म स्वतंत्रता से रहते हैं, निभाते हैं, भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हमारा देश बहुत ही महान और अच्छा कहलाया है। तो बच्चों, आप इस दूसरे पद्यांश में के विषय में जाने हो, कविता कवि क्या कहते हैं, समझ में आया, हमारे भारत देश के बारे में आपने समझा, तब आज चलिए गृह कार्य हम दे रहे हैं इस पर, दर्शनीय स्वाभाविक सुजनता, इसमें प्रत्यय पहचान कर लिखिए, हिमालय महोत्सव स्वागत, इन तीन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यह पद्यांश दो मौखिक एवं लिखित अभ्यास कीजिए। दिए गए पद का भावार्थ भी मौखिक एवं लिखित अभ्यास कीजिए। ये गृह कार्य आप कीजिए, समझकर लिखिए। धन्यवाद बच्चों।